नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27, खबरें सबसे पहले आप तक। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। वीआईपी रोड पर कचरे के अंबार के विरोध में एमएसयू ने किया आंदोलन, सफाई के बाद उठे आंदोलनकारी। 25 अगस्त 2020 को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के गणपति मिश्रा के नेतृत्व में शहर स्थित बेंता आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन किया गया। धरना का मुख्य उद्देश्य बेंता मुख्य सड़क पर गंदगी कचरे के अंबार को हटाना, अनियंत्रित जाम से मुक्ति तथा जल जमाव का निदान करना था। धरना को संबोधित करते हुए एमएसयू के राष्ट्रीय महासचिव गोपाल चौधरी ने कहा, दरभंगा शहर की यह स्थिति आज से नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से है। लोग जल जमाव, जाम, सुखार और गंदगी जैसी समस्याओं को झेलते आ रहे हैं। आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल के पास फैली गंदगी को देखते हुए आंदोलन का निर्णय लिया गया था और आज सांकेतिक धरना के माध्यम से प्रशासन को सचेत करने का काम किया जा रहा है। जब तक मांग पूरी नहीं हो तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एमएसयू के विश्वविद्यालय प्रभारी अमन सक्सेना ने स्थानीय प्रतिनिधि पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने वार्ड कमिश्नर, मेयर और नगर विधायक से लेकर दरभंगा सांसद के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि नगर विधायक फेम इंडिया की सूची में टॉप 50 में आने से ही खुश है, लेकिन उनको इस समस्या से कोई लेना देना नहीं है। अपनी जवाबदेही के बदले उल्टा नगर निगम पर ही सवाल खड़ा कर खुद को जवाबदेही से बचाने का काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता विद्या भूषण राय, नगर अध्यक्ष अर्जुन दास समेत 2 दर्जन से ज्यादा सेनानी उपस्थित थे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज।